किसानों की तमाम समस्याएं जल्द खत्म होने वाली है। किसानों को एक 15 साल के लड़के ने ऐसी सौगात दी है जो उनकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। दरअसल हमारा देश भारत विश्व का सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश है, जिसकी 70% आबादी सीधे तौर पर किसानी पर निर्भर है। देश के हर कोने में किसानों की कड़ी मेहनत के दम पर लोगों की बड़ी आबादी को दो वक्त का खाना बिना किसी दिक्कत के मिल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे किसान कितनी तपस्या करते हैं, कितनी प्राकृतिक चुनौतियों के बाद भी हर साल भारत अनाज पैदावार के मामले में विश्व में सबसे आगे होता है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि आज भी हमारे देश के कई किसान आधुनिक रूप से कमजोर हैं, उनके पास तकनीक की काफ़ी कमी है, और अगर ये कमी पूरी हो जाए तो फिर हमारे देश की धरती भी सोने के रूप में अनाज उगल सकती है। पिछले कुछ सालों में सरकार के प्रयासों के कारण किसानों की कुछ समस्या जरूर हल हुई है, लेकिन आज भी वो तकनीकी कमी से परेशानियों का सामना करते हैं। इसी चुनौती को देखते हुए और भारत के अन्य दाताओं की चिंता को समझते हुए बलिया जिले के कक्षा 10वीं के छात्र ने एक ऐसी अद्भुत चीज बनाई है जिससे किसानों की समस्या दूर होने वाली है। पहले ध्यान से देखिए इस खास वस्तु को। छोटी उम्र में बड़ा कमाल, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। इसका शानदार उदाहरण है कक्षा 10वीं के 15 वर्षीय छात्र प्रशांत कुशवाहा। प्रशांत ने अपने हुनर और कौशल से एक मल्टीपर्पज कृषि रोबोट तैयार किया है। इस रोबोट के माध्यम से किसानों को काफी मदद मिलेगी। छोटी उम्र में इस लड़के ने अपने कार्य से हर किसी को हैरान कर दिया। बता दें कि छात्र प्रशांत का कहना है कि उसने इस रोबोट को आर्डयूनो चिप की मदद से कोडिंग करके तैयार किया है। इसमें 4 महत्वपूर्ण फंक्शंस भी हैं: सिंचाई प्रणाली, निराई गुड़ाई करने का कटर, सीडर का कार्य और नमी डिटेक्टर। सर, मैंने एक एग्रीकल्चरल रोबोट बनाया है। ये एक मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर का रोबोट है। इसमें मैंने आर्डिनो चिप की मदद से इसकी कोडिंग करके इसको बनाया है मैंने। इसमें एक HC05 मॉड्यूल मैंने लगा रखा है, जिसकी हेल्प से मैं इसको फोन से कनेक्ट करके चला सकता हूँ। आज के दौर में आधुनिक कृषि मशीनों की कीमत लगातार बढ़ रही है। जो किसान आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए लाखों रुपए की मशीन खरीदना बेहद मुश्किल है। लेकिन आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि महंगाई के इस दौर में प्रशांत ने अपने शिक्षकों के सहयोग से इस रोबोट को महज 8 से 10 हज़ार रुपए में बना दिया। इसके फोन का ऐप भी हमने स्केच INO कोडिंग पे बनाया है। इसके बाद इसको बनाने में मेरे सहयोग किया है मेरे टीचर्स ने, AI के टीचर मेरे मुर्शिद खान सर ने सहयोग किया है। विद्यालय से हमें कुछ सहयोग मिला है, इकोनॉमिकली इस विद्यालय ने सहयोग किया है। इसको बनाने में लगभग 8,000 से 10,000 का खर्चा आया है। इतना शानदार दिखने वाले इस छोटे से रोबोट को चलाना भी किसानों के लिए बहुत आसान है। आपको बता दें कि प्रशांत ने अशिक्षित किसानों को ध्यान में रखते हुए इस रोबोट का आविष्कार किया है। किसान इसका उपयोग मोबाइल के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। सर, इस प्रोजेक्ट में 4 सिस्टम हमने दे रखे हैं। एक इरिगेशन का सिस्टम है, इसमें हमने एक छोटा सा पंप लगा रखा है जिसमें ये पानी खींच कर इरीगेट कर सकता है फील्ड को। उस पानी के साथ हम लोग उसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड भी मिला सकते हैं, जिससे ये पानी के साथ साथ उन सबको भी इरीगेट कर देगा। उसके बाद हमने एक वीडर के लिए कटर लगा रखा है, जिससे ये घास जो भी आएगा रास्ते में उसको काट सकता है। तो आपने देखा कैसे 10वीं कक्षा के छात्र ने कृषि रोबोट बनाकर आधुनिक तकनीक की ऐसी मिसाल पेश की जो कृषि क्षेत्र के माहिर खिलाड़ियों को भी हैरान कर देगी। प्रशांत आज के युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं, और इनसे प्रेरणा लेकर बच्चों को कुछ नया सोचने और करने का अवसर भी मिलेगा।